पूज्यवर साहेब जी, अर्चनी वन्नी संसमाज, धर्म प्रेमी सज्जनों, माताओं, प्यारे प्यारे बच्चों, बेस थोड़ा कम कर, बेस थोड़ा कम कर। कल मैं चर्चा किया था बच्चों को संस्कार कैसे दिया जाए। हर माँ बाप की एक शिकायत कि बच्चे हमारा कहा नहीं मानते। मैंने प्रश्न किया था कि बच्चा आखिर आपका कहा क्यों माने, और बहुत सारे प्रश्नों का उत्तर मैंने दिया था। कल चर्चा करते करते मैंने बीच में कहा था कि जीवन को कैसे तराशना है, जीवन को कैसे रिफाइंड करना है, हम अपना कीमत कैसे जाने, इस पर चर्चा करूंगा मैंने कहा था। आइए उसी पर थोड़ी चर्चा करते हैं। बहुत से लोग हैं इस दुनिया में जो अपना कीमत नहीं जान पाते हैं, इसलिए आदमी अपनी जिंदगी को यूं ही बर्बाद कर देते हैं। इतना सुंदर जीवन मिला है, और जितना ही इस जीवन का कीमत हम बढ़ाना चाहे उतना ही हम अपने जीवन का कीमत बढ़ा सकते हैं, और जितना ही हम इस जीवन का कीमत घटाना चाहे अपने जीवन का कीमत घटा सकते हैं अपने ऊपर। आप चाहे तो इस जीवन का कीमत ऐसा इतना कीमत हो जाएगा कि इस जीवन का कोई दांव पे दांव नहीं लगा सकता, और चाहे तो आपका जीवन दो कौड़ी का रह जाएगा। आपका कोई बच्चा हो और कोई बच्चा आपका एक ही बच्चा हो, कोई व्यक्ति आकर के आपसे कहे कि तुम अपने बच्चे को दे दो, मैं तुमको 2 करोड़ रुपया देता हूँ, आप कहेंगे 2 करोड़ क्या, 5 करोड़ रुपया दे दो, पर भी मैं अपने बच्चे को तुमको नहीं दे सकता, क्योंकि आपको पता है उस बच्चे का कीमत। क्या हमको ये भी पता है कि हमारा जीवन कितना कीमती है? बहुत से लोग है कहते हैं कि हमारे हमारा काम नहीं है साधना भजन का काम, राम भजन का काम हमारा नहीं, जो कुछ होता है भगवान की कृपा से होता है, जो कुछ होता है ईश्वर की कृपा से होता है। मैं लोगों से प्रश्न किया करता हूँ, जो कुछ होता है ईश्वर की कृपा से होता है, ये बात जिन्होंने कहा वो मूर्ख है। ईश्वर आखिर कौन है? जो कुछ हो रहा है भगवान की कृपा से हो रहा है, जो कुछ हो रहा है ईश्वर की कृपा से हो रहा है, एकदम असत्य बात है। यदि सत्य है तो जो नक्सलाइड आतंकवाद है जिनके हाथों से गोलियों की बारूदें निकलती है, बारूदें निकलती है, गोलियां निकलती है, वो भी तो भगवान की कृपा है, फिर उनको दंडित क्यों किया जाता है? जो कुछ हो रहा है भगवान की कृपा से हो रहा है। कोई चोरी करता है भगवान की ही कृपा है, फिर उसको दंडित क्यों किया जा रहा है? कोई किसी का मर्डर करता है वो भी भगवान की कृपा है, फिर उसको दंडित क्यों किया जा रहा है? क्या भगवान इतना कमजोर है? क्या भगवान इतना अपाहिज है कि उनकी बुद्धि को नहीं पलट सकता है? क्या भगवान घूसखोर है जो घूस लेता है? क्या भगवान भगवान मांसाहारी है जो मांसाहारी बकरे मुर्गे सब कांट खाता है? क्या भगवान इतना निर्दयी है? क्या भगवान अत्याचारी और क्रूर है? आए दिन नक्सलाइड आतंकवाद, आए दिन मर्डर हो रहा है, बलात्कार हो रहा है, उसको नहीं रोक पाता है? ये सारे प्रश्नों का उत्तर उनके पास नहीं है। ये कहते हैं कि भगवान की कृपा से हो रहा है, एकदम गलत बात। हमारा कर्म खराब रहता है, हमारा सोच खराब है, इसलिए हम गलत कर्म करते हैं, कोई भगवान नहीं वहां पर। आइए हम अपनी कीमत पर जाए। एक व्यक्ति घर से निकलता है, और घर से निकलते निकलते एक मंदिर देखा, मंदिर की ओर आगे बढ़ा, वहां एक संत थे, और संत के पास जाकर के प्रश्न करता है, हे संत भगवान, सभी लोग ध्यान से सुने, आपका कीमत कितना है आपको पता चल जाएगा। आप अपनी कीमत कितना लगाते हैं, कितना आंकते हैं, आपका जीवन कितनी बेस कीमती है, आपको पता चल जाएगा कि आप 2 कौड़ी के हैं कि 4 कौड़ी के हैं। आप ही खुद आकलन करिएगा। एक कहानी नहीं, एक घटना है।
वो आदमी निकलता है मंदिर में जाता है, मंदिर में जाकर के संत से पूछते हैं, संत जी मेरे जीवन की कीमत क्या है, आप क्या बता पाएंगे? संत जी कहते हैं इस बात को छोड़ो, मैं तुमको जो कह रहा हूँ वही करना। बैठा था वही बगल में एक बक्सा था, बक्सा खोलता है, उनको एक पत्थर का गोला देता है और कहता है इस पत्थर का रेट पता करके आना, इस पत्थर को बेचना मत कहीं, बेचने की गलती मत करना। तुम जितने अधिक जगह हो सके इस पत्थर का रेट पता करते आना। जैसे ही वहां से निकलता है, निकलते ही उनको एक कबाड़ लेने वाले, कबाड़ समझ रहे ना, जो लोहा टिप्पा प्लास्टिक जूता चप्पल सब लेते हैं वो मिल जाता है। उनके पास पूछते हैं भाई साहब इस पत्थर का आप क्या रेट लगाएंगे? कबाड़ लेने वाले कहता है भाई साहब मैं बहुत चीजों को लेता हूँ और इसमें लोहा को सबसे ज्यादा रेट में लेता हूँ। तुम्हारा पत्थर अच्छा और चमकीला दिख रहा है इसलिए तुम्हारे पत्थर को मैं 20 रुपए किलो तक ले सकता हूँ। वो आदमी आगे बढ़ता है, आगे बढ़ता है, टमाटर सब्जी बेचने वाला मिलता है। सब्जी बेचने वाले टमाटर बेचने वाले कहते हैं भाई साहब मेरे पास सबसे बड़ी कीमती अभी है इस सब्जियों में टमाटर है और तुम्हारे पत्थर अच्छे और चमकीले दिख रहे हैं इसलिए तुम्हारे पत्थर को मैं टमाटर के भाव में 40 रुपए किलो तक खरीद सकता हूँ। वो आदमी फिर आगे बढ़ता है, एक एल्युमिनियम की दुकान में जाता है जहाँ सिर्फ एल्युमिनियम का काम होता है। वही पत्थर है 20 से 40 हो गया, एल्युमिनियम के दुकान वाले से सारी वही चर्चा होती है। एल्युमिनियम के दुकान वाले कहते हैं तुम्हारे पत्थर को मैं 400 रुपए किलो तक खरीद सकता हूँ। वो आदमी और आगे बढ़ता है, पीतल के दुकान में जाता है, पत्थर वही है, रेट बदलता चला जाता है, जगह बदलने से रेट बदलता चला जाता है, वो पत्थर वही है। अब वो पीतल के दुकान में जाता है, वही पत्थर 400 से 800 रुपए किलो तक बिकने को पत्थर तैयार हो जाता है। वो आदमी और आगे बढ़ता है, आगे बढ़ता है, चांदी की दुकान में जाता है और चांदी की दुकान में जाने के बाद में 80,000 रुपए किलो तक बिकने को पत्थर तैयार हो जाता है। पत्थर वही है, जगह बदलते गए रेट बदलता चला जाता है। आदमी को संतोष नहीं होता है, आदमी और आगे जाता है, एक सोने की दुकान में जाता है, वहां वही पत्थर 4 लाख रुपए तक बिकता है। वो आदमी को फिर भी संतोष नहीं होता, एक हीरे की दुकान में जाता है, हीरे के दुकान में जाने के बाद पत्थर वही है, 4 लाख से 4 करोड़ रुपए तक बिकता है वो पत्थर। वो आदमी रेट बस पूछता है, संतोष नहीं होता। एक बड़ा सा व्यापारी के पास जाता है, अंत में हीरे के व्यापारी के पास, और पूछता है भाई साहब इस पत्थर का क्या रेट लगा? वहां उस दुकान में ठगा नहीं जाता है किसी को। वो दुकानदार कहते हैं भाई साहब इस पत्थर का कोई रेट अदा नहीं कर सकता है, ये साधारण पत्थर नहीं है, ये साधारण पत्थर नहीं, ये बेस कीमती हीरे है, तुम अपने इलाकों को बेच दो पर भी तुम इस पत्थर का रेट अदा नहीं कर सकते क्योंकि बेस कीमती हीरा है। एक कहानी, एक घटना, जो कुछ कहो आप इससे क्या समझे? हम अपना कीमत कितना में लगाते हैं? यदि हम जुआनी के साथ में जाते हैं तो जुआनी कहलाते हैं, शराबी के साथ में जाते हैं तो शराबी कहलाते हैं, लड़ने और झगड़ने वालों के साथ जाते हैं तो लड़ने और झगड़ने वाले कहलाते हैं, मास्टर के साथ जाते हैं मास्टर, इंजीनियर के साथ जाते हैं इंजीनियर, वकालत करने वालों के साथ जाते हैं तो वकालत करने वाले कहलाते हैं और अच्छे लोगों के साथ जाते हैं तो अच्छे लोग कहलाते हैं। नेता के संग करते करते नेता बन जाते हैं और कहीं संग करते करते एक अच्छे इंसान का संग पड़ जाता है तो रंग बदल जाता है जीवन का। वो कहते हैं आदमी अच्छा आदमी हो गया, साधु हो गया, और कहीं संग करते करते साधु और संत का संग मिल जाता है तो एकदम आदमी साधु आदमी हो जाता है, और कहीं संग करते करते जीवन का आचरण बदल जाता है, जीवन की रहनी बदल जाता है, वेश धारण कर लेता है, संतों का वस्त्र धारण कर लेता है, जीवन का पूरा परिवर्तन हो जाता है। अब उस आदमी के सामने हीरा जवरा सब फीका पड़ता है क्योंकि उन्होंने अपने जीवन का कीमत जान लिया है। आप अपने जीवन का कीमत कितने में लगा रहे हैं? गाली दे दे करके अपने जीवन की कीमत को घटा दिए, बीड़ी और सिगरेट पी करके अपने जीवन की कीमत को घटा दिए, ननंद भाव आपस में देरान जेठान लड़ लड़ के अपने जीवन की कीमत को घटाते गए। किससे घटाते गए? आपके ही परिवार के बच्चे आपसे नफरत करना शुरू कर देते हैं क्योंकि आपने अपने जीवन की कीमत घटाया है।
जो लोग कीमत हमारा बढ़ाते वही कीमत देने वालों के पास में वही परिवार वालों के बीच में हम अपना कीमत घटाए हैं। लड़ करके झगड़ करके हम अपना व्यक्तित्व का निर्माण नहीं कर पाए, अपना कीमत घटाते चले गए। एक अच्छे श्रेष्ठ, मैं कल कह रहा था संस्कार की बातें, आप सभी से निवेदन है, एक अच्छे श्रेष्ठ माँ बाप बनिए, एक अच्छे श्रेष्ठ दादी दादा बनिए, एक अच्छे श्रेष्ठ परिवार के सदस्य बनिए, एक अच्छे श्रेष्ठ बड़े पिता बड़े मम्मी चाची चाचा बनिए, एक अच्छे श्रेष्ठ भाभी भैया बनिए। आप क्यों श्रेष्ठ नहीं बन पाते हैं? माता पिता हो जाते हैं, पुत्र हो जाते हैं, दादी दादा बन जाते हैं, पान खा रहा है, मुंह गलगला रहा है, रंगे हाथों से आशीर्वाद दे रहे हैं, बीड़ी पी रहे हैं, सिगरेट का धुआं उड़ा रहे हैं, आशीर्वाद दे रहे हैं, कौन सा आशीर्वाद देंगे आप बच्चों को? कौन सा आशीर्वाद देंगे? इधर गांजा का दम लगा रहे हैं, आशीर्वाद दे रहे हैं, आपके पास आपने अपना कीमत ही घटा दिया है। इतना बेशकीमती जीवन था, हीरा सा जीवन था, उसको कौड़ी के मोल में अभी भजन सुन रहे थे ना, जिंदगी क्यों यूं ही लिटा रहा है? इतना बेशकीमती अनमोल जीवन को कचड़े के मोल में फेंक दिया हमने। हम पैसा दे करके अपने ही जीवन को हम बर्बाद करते हैं। पैसा दे करके बीड़ी पीते हैं, सिगरेट पीते हैं, तंबाकू खाते हैं, गंजा शराब मांस अंडा मांस मछली खाते हैं, क्या जीवन को बर्बाद नहीं करते हैं? अपने शरीर को बर्बाद करते हैं, अपने आभा मंडल को बर्बाद करते हैं, अपने परिवार के माहौल को बर्बाद करते हैं और जीने के तरीके ही बदल जाते हैं। और संग करते करते कहीं अच्छे लोगों के संग हुआ, साधु संत का संग हो गया, तो जीवन का कीमत कितना बढ़ जाता है। आपको समझ में आई इस कहानी की कितनी बड़ी घटना है? हमारे जीवन में हमने अपना कितना कीमत, हमारे परिवार में, अपने ही परिवार में, अपने ही परिवार के बीच में आपके ही बच्चे से आप पराये हो जाते हैं, आपके ही परिवार के बीच में आपके बच्चे आपसे बात करना नहीं चाहते हैं, एक दूसरे के बैरी दुश्मन बन जाते हैं, खून का रिश्ता होते ही भी पराया हो गए। किसने पराया किया? कोई दूसरों ने आकर के दरार पैदा किया है? हम अपने ही स्वभाव की वजह से, अपने ही गलत आचरण की वजह से, अपने ही अहंकार की वजह से हम अपने लोगों से पराये होते चले जा रहे हैं। कबीर की शिक्षा यही है कि हम अपने से अपने आप से जुड़े। एक मानवता, अपने अंदर प्रेम, अपने अंदर दया, अपने अंदर क्षमा, अपने अंदर सहनशीलता, ये व्यक्तित्व का निर्माण करें। अपना मूल्य समझे, जीवन को तराशे। मैं कल एक उदाहरण दिया था, सिर्फ हीरे का उदाहरण दिया था, हीरे को तराशने के बाद में हीरा का कीमत 5 गुना 6 गुना बढ़ता है। 2 लाख रुपए के हीरे 10 लाख रुपए 12 लाख रुपए में बिकता है। वैसे ही आप जो अपने जीवन को तराश देते हैं, अब जब बीड़ी और सिगरेट तंबाकू और गुटखा खाते हैं, शराब पीते हैं, नाली के कीड़े जैसे पड़े रहते हैं, कुत्ता सूंघता है, लेकिन जब अपने जीवन को सुधार लेते हैं, जीवन को सुंदर बना लेते हैं, एक बड़े मंच में बैठते हैं, लोग सम्मान देते हैं, आपके चरणों में आकर के झुकने को तैयार हो जाते हैं, आपने किया क्या है? सिर्फ जीवन को तराशा है। और वही तराशने वालों में से बुद्ध, कबीर, महावीर, ईसा, मोहम्मद, रामकृष्ण हुए। क्या आप भी चाहेंगे कि अपने जीवन को तराशा? पूरी दुनिया के लोग माने या ना माने, कम से कम आप अपने अपने परिवार के लिए आदरणीय बन जाइए, आपके परिवार के लोग आपका सम्मान कर सके, बुढ़ापे में आपके बच्चे आपसे प्यार से बात कर सके। हम अपना स्वभाव इतना करकर बना लेते हैं, खर खर करते हैं, इतना टेढ़े और मेढ़े हो जाते हैं कि अपने ही लोगों से पराये हो जाते हैं। सुंदर स्वभाव, सुंदर आचरण बनाए, कबीर की शिक्षा यही है। हम अपने अंदर जो प्रेम और आनंद और उत्साह की जिंदगी है उसको जीने का प्रयास करें, बाहर नहीं। पूजा और पाठ से जीवन में खास परिवर्तन नहीं होता है, होता है, लेकिन कोई ज्यादा परिवर्तन नहीं होता है। पूजा और पाठ के बल पर यदि जीवन को बदलना चाहे, इम्पॉसिबल नहीं हो सकता है, संभव ही नहीं। जीवन, मैंने कल भी कहा था, जीवन बहुत चीजों से नहीं बदलता है, वैचारिक क्रांति करने से जीवन बदलता है, विचारों को बदलने से जीवन बदलता है, बाहरी पूजा और पाठ आपकी श्रद्धा है आपका, लेकिन जब तक विचारों को नहीं बदलेंगे जीवन नहीं बदल सकता है। आप घर में पानी खोलते हैं, मोटर चलाते हैं, पानी निकलता है, हजारों लीटर हजारों टन पानी आप यूं ही फेंक देते हैं, उसका कोई कीमत नहीं होता है, वही पानी है।
पानी को जब रिफाइंड कर दिया जाता है, पानी को जब तराश दिया जाता है और एक डिस्टिल वाटर के रूप में पानी को तराश करके 20 लीटर के बोतल में भर दिया जाता है, वही पानी 50 रुपये में 20 लीटर बिकता है। उस पानी को और तराश दिया गया और तराश करके एक मार्का के कंपनी में बिस्लरी वाटर में भर दिया जाता है। पानी वही है, जगह बदल दिए, मार्का बदल दिए, वही पानी है 20 रुपये लीटर में मिलता है। पानी वही है, जगह बदल देते हैं, रेलवे स्टेशन से उसको एयरपोर्ट भेज देते हैं, पानी वही है, कुछ भी नहीं बदलते हैं, जगह बदल देते हैं, वही पानी 50 रुपये लीटर में मिलता है एयरपोर्ट में जाने के बाद। क्या आप अपने जीवन को बदलना चाहते हैं? इसका मतलब ये नहीं कह रहा हूं कि आप लोग छोड़ करके हमारे साथ चलो सब साधु हो जाओ। स्वभाव बदल दीजिए, जीवन बदल दीजिए, तरीके जीने के तरीके बदल दीजिए, गाली गलौज बंद कर दीजिए। बूढ़े बुजुर्ग हो जाते हैं मतलब बुजुर्गानी बुद्धि आनी चाहिए, बच्चे हैं तो बच्चे को कैसे समझाना है बुद्धि आनी चाहिए, तब आप श्रेष्ठ हैं। सोच बदलिए, जीवन बदलेगा। इसलिए पानी को जितना ही रिफाइंड किया जाता है, पानी को रिफाइंड करने के बाद में उसका कीमत बढ़ता चला जाता है। वही पानी है, पानी को और ज्यादा रिफाइंड कर दिए तो क्या हो जाता है, वो डिस्टिल वाटर बन जाता है, पानी वही वही। जब हमारी सरकार पेट्रोलियम खरीदती है तो पेट्रोलियम कच्चा तेल बॉयलर में मिलता है और कितना सस्ता होता है, जो बहुत ही सस्ता होता है। अब उस पेट्रोलियम को रिफाइंड करने के बाद में आज हमारे भारत देश में आपके यूपी में तो और ज्यादा है, 110 रुपये लीटर में पेट्रोल बिकती है। तेल वही है, तेल को रिफाइंड कर दिया गया, रिफाइंड करने के बाद में तेल का कीमत बढ़ता चला गया। आप जीवन को रिफाइंड कर देते हैं, जीवन रिफाइंड मतलब तराशना, तराश देते हैं, कीमत बढ़ता चला जाता है। अभी मैं एक महीना पहले छिंदवाड़ा आया था तो छिंदवाड़ा में मैं एक सुनार के यहाँ रुका था, 3 दिन रुका था मैं, तो वो सोने का काम करता था, तो सोने का काम चांदी का काम करता था, तो चांदी एक लोहे की तरह दिखता था, और जब लोहे की तरह दिखता था उसको तराश दिया जाता था, आकार में ढाल दिया जाता था, तो उसको तेजाब में डालने के बाद वो अपना चमक दे उठता था, उसको तराश दिया गया, कीमत बढ़ गया। वैसे ही जीवन को तराशते जाइए, जितना ही तराशेंगे जीवन का कीमत उतना ही बढ़ता चला जाएगा। और ये तराशने के लिए ही हमारे संत जन हमको ठोकर पर ठोकर मारते हैं। एक कहानी और किस्सा से ज्यादा रस नहीं लेना चाहिए। एक भोड़ मची है भागवत महापुराण, उसमें क्या मिलता है मुझे समझ नहीं आता है। इनकी कथा उनकी कथा और इतनी धूमिल कर दिया जाता है, राम के श्री राम के श्री कृष्ण के आचरण को इतना धूमिल कर दिया जाता है, इतना रसीला बना दिया जाता है, सिर्फ लोगों को रोचक और बड़े बड़े कहानीकारों को बड़े बड़े व्याख्यान और स्पीच देने वाले को देखो मंच में ही मटकना शुरू कर देते हैं। जिसके अंदर गंभीरता होगी, जो आचरण संपन्न होगा, जो अपने आप में रस में डूबा होगा, जो प्रेम और आनंद को समझता होगा, जिनको दुनिया के रौनक दुनिया के रस फीका पड़ता होगा, वो मंच में ही मटकना शुरू करेंगे। बड़े बड़े प्रवक्ताओं को देखा है मैंने, मंच में नचाते देखा है, क्या मिलता है इसे? एक भगदड़ चलता है, एक भागवत का एक भागवत करने वाले कुछ लोग अच्छे होते हैं, कुछ लोग बस पैसा लेना उनका उद्देश्य होता है। अभी छिंदवाड़ा के पास की ही घटना है, एक व्याख्या कराए और व्याख्या कराए और देखे कि उनके लायक उनका मंच नहीं बना था, ड्राइवर को कहे गाड़ी मोड़, और करीब करीब 30 लाख रुपया खर्चा किया गया था, ड्राइवर को कहे गाड़ी मोड़ लो, वो चल के मंच में आया ही नहीं। पैसा से धर्म नहीं होता। जिस दिन कोई व्यक्ति डिमांड कर देते हैं, जिस दिन कोई व्यक्ति डिमांड कर देते हैं कि मुझे इतना पैसा चाहिए मुझे बोलने के लिए, मतलब वो उस दिन उसकी धार्मिकता खत्म हो जाती है। मेरे पास आए दिन फोन आता है, आए दिन फोन आता है, शायद जी आपका प्रोग्राम चाहिए, कितना पैसा लेंगे, आए दिन फोन आता है। मैं कहता हूँ मेरे आने जाने का किराया जितना रहेगा मैं बता दूंगा, उसके बाद आपकी स्वेच्छा, चाहे 1 रुपया दो, चाहे 10,000 रुपया दो, चाहे 50,000 रुपया दो, मैं मांगूंगा नहीं, आपकी स्वेच्छा।
जिस क्योंकि मेरे लिए आप लोग इतना करते हैं, आपके समाज पूरा इतनी करती है, मैं मांगा नहीं नहीं से, हमारे संत लोग किसी से मांगते नहीं हैं, आप लोग सब बिना मांगे ही देते हैं, और मैं ही नहीं। अगर कोई साधु अच्छा से जीना चाहेगा, कोई साधु अच्छा से जीना चाहेगा तो पूरे भक्त समाज तैयार है उनके लिए, आश्रम बनाएंगे, उनकी कपड़े की व्यवस्था करेंगे, उनकी भोजन की व्यवस्था करेंगे, यहाँ तक उनकी सारी व्यवस्था करने के लिए भक्त समाज तैयार है। बस साधु अच्छा जीवन तो जी, इसलिए जीवन को रिफाइंड करते जाइए। जितना ही आप जीवन को रिफाइंड करते हैं उतना ही आपका जीवन कीमत बढ़ता चला जाता है, उतना ही कीमत बढ़ता चला जाता है। एक आदमी 100 करोड़ रुपए के गहना पर 40 करोड़ की तो सिर्फ मात्र साड़ी आती है। आपने पेपर में देखा होगा, एक एक्टर की शादी हुई थी, एक बड़े करोड़ अरबपति आदमी की बेटी की शादी हुई थी, तो 40 करोड़ रुपए की साड़ी पहने थी, ओनली 40 करोड़ की ओनली साड़ी थी बस। कोई आदमी 100 करोड़ रुपए के गहना पहने हो तो आपके आंखों को चुभेगा, लगेगा बहुत अच्छे गहने हैं। लेकिन कोई आदमी मात्र 100 रुपए की कपड़े पहने हो, वे साधु का वेश धारण किया हो, लंगोटी साफी पहना हो और जीवन और आचरण अच्छा हो तो आपके दिल को स्पर्श करेगा, आपके दिल को स्पर्श करेगा। इसलिए जीवन को तराशिए। सदगुरु कबीर साहब कहते हैं, जो तिल माही तेल है, जो चकमक में आग तेरा साई, तुझ में जाग सके तो जाग। कस्तूरी कुंडल बसे हथनी बसा, कस्तूरी के अंदर कुंडल बसा है, ये मृग को पता नहीं है। जैसे मृग तृष्णा में धूप में दौड़ता है कि यहीं सुगंधी वहीं से आ रही है, नहीं जानता है। पानी के प्यास में दौड़ता है कि पानी वहां है, धूप के लहरे को देख करके नहीं जान पाता है। और बोलिए सतगुरु देव की जय। हम अपने जीवन को तराशें, जितना ही आप अपने जीवन को तराशेंगे उतना ही कीमत बढ़ती चली जाएगी। मैं आपको तराशने के लिए कह रहा हूँ, सिर्फ आप करना क्या है आपको, आप प्रेम को महत्व दीजिए, धैर्य क्षमा संतोष को महत्व दीजिए, आपस में एक ऐसा माहौल बनाइए, आपके घर में माहौल स्वर्ग का माहौल होना चाहिए, आपके परिवार में एक ऐसा माहौल संचारित करिए कि आपके बच्चे आपका सम्मान कर सके, आपके बच्चे आपको बुढ़ापे में साथ दे सके, वो माहौल तैयार करिए। आप सब पढ़े लिखे लोग हैं, एक अनपढ़ गाड़ी एक अनपढ़ आदमी गाली दे तो समझ में आता है, आप जैसे पढ़े लिखे लोग गाली दे तो समझ में नहीं आएगा। एक अनपढ़ आदमी बीड़ी और सिगरेट पिए, गांजा पिए तो समझ में आता है, पढ़े लिखे लोग भी बीड़ी सिगरेट और गांजा का दम लगाए तो समझ में नहीं आता। आखिर पढ़ाई किस चीज की होती है, पढ़े लिखे लोगों का अर्थ क्या है, सभ्य परिवार का अर्थ क्या है, आपके घर के बहू बेटे सभ्य है, इसका पहचान क्या, सभ्यता की पहचान क्या है, सभ्यता की पहचान आचरण अच्छा हो, व्यवहार अच्छा हो, खान पान अच्छा हो। आपके घर के बच्चों को सिखाइए, छोटे बच्चे को ही सिखाइए, प्रणाम कैसे किया जाता है, संत गुरुजनों के पास कैसे झुका जाता है। आपके घर में कुल मिला करके एक माहौल बनना चाहिए, प्रेम का माहौल बनना चाहिए। जितना ही प्रेम का माहौल बनता है उतना ही आपका घर और समाज अच्छा बनता चला जाता है। आप देखे होंगे प्रेम के बारे में याद आती है तो मैं कहा करता हूँ, सदगुरु कबीर साहब ने कहा है, प्रेम गली अति सांकरी जामे दो न समाए। प्रेम की गली इतनी सकरी है कि उसमें दो नहीं समा सकता, अहंकार और प्रेम नहीं हो सकता। जैसे कहीं अंधेला हो वहाँ प्रकाश नहीं हो सकता, और जहाँ प्रकाश है वहाँ अंधेला नहीं, संभव ही नहीं है। यदि आप चाहेंगे कि मेरे कमरे में अंधेला है उसको प्रकाश कर दूं और अंधेला दोनों रखूं, ये संभव ही नहीं है। ये तो प्रकाश होगा या तो अंधेला। आपके अंदर प्रेम होगा तो अहंकार नहीं होगा, और अहंकार होगा तो प्रेम नहीं होगा। प्रेम को बरकरार रखिए। प्रेम में इतनी शक्ति और इतनी ताकत है कि आदमी आपसे विरोध करने वाले व्यक्ति भी आपके गले लगाने के लिए तैयार हो जाएंगे। प्रेम में इतनी ताकत है। प्रेम भी सुखता है, प्रेम भी सुखता है, प्रेम को सुखते मैंने देखा है, प्रेम को सुखते, प्रेम में लचीलापन होना चाहिए। प्रेम कैसे सुखता है आप देखिएगा, कैसे सुखता है आप याद करिएगा, आपके घर में प्रेम कैसे सुखा आप याद करिएगा, मैं बता रहा हूँ।
आपकी शादी हुई थी, शादी होने के बाद में पति और पत्नी में बड़ी लंबी लंबी वार्ता होती थी। आप वार्ता करते करते 10-11-12 बज जाती थी रात, बड़ी लंबी वार्ता हो जाती थी। शादी होने के 2-3 साल बाद में अब वो 10-11 के 9 बज जाता है। अब शादी हुए हुए 10 साल हो गए, 10 साल के बाद में 9 क्या भोजन के बाद में वो भोजन 8 बजे होता है, तो 8:02 में ही वार्ता खत्म हो जाती है। प्रेम कैसे सूख रहा है देखते जाइए। अब इतना हो गया प्रेम, इतना सूख गया कि भोजन भी पत्नी ला रही है तो भोजन थाली में फटक देती है। एक घटना याद आई, पति और पत्नी आपस में दोनों थे। पति आप काम धंधा करके आए और उसे अपने पत्नी से कहती है, पत्नी से कहता है कि जी मुझे भूख लगी है, भोजन दो। उनकी पत्नी कहती है ए जी मैं तुमसे बहुत प्रेम करती हूँ। उनकी पत्नी फिर कहते हैं ए जी मुझे बहुत भूख लगी है, भोजन लाओ। उनकी पत्नी कहती है ए जी मैं तुमसे बहुत प्रेम करती हूँ। एक बार हुआ, दो बार हुआ, तीसरा बार फिर कहता है ए जी मुझे भूख लगी है, भोजन लाओ। प्रेम रूम को हटाओ, गोली मारो, मुझे प्रेम से कोई मतलब नहीं है। उनकी पत्नी किचन में जाती है और किचन में जाती है, थाली में सब्जी दाल रोटी सब कुछ ला करके उनकी उनके टेबल में ला करके पटक देती है, लो खाओ, अब मजा आएगा, अब मजा आएगा। भोजन भोजन में रस नहीं रहेगा, भोजन में स्वाद खत्म हो जाएगा। बिना प्रेम भोजन वही है, भोजन वही है, बस प्रेम खत्म हो गया, भोजन का स्वाद खत्म हो जाता है। वैसे ही जीवन में अगर अपने आप को हमने नहीं तराशा, नहीं सुधारा, तो जीवन बस जिएंगे, जीवन में रस नहीं मिलेगा, जीवन में आनंद नहीं आएगा, जीवन में प्रसन्नता नहीं आएगी, बस जीवन जिए जा रहे हैं, जिए जा रहे हैं। क्यों जी रहे हैं इसका उद्देश्य ही पता नहीं है। क्यों कमाते हैं, खाने क्यों खाते हैं, कमाने के लिए क्यों खाते हैं, जीने के लिए, लेकिन क्यों जीते हैं इसका कोई मतलब ही नहीं है। जियो आत्मा कल्याण के लिए, जियो आत्मा कल्याण के लिए जियो। प्रेम भी सूखता है, इसलिए जब लंबी लंबाई लंबी लंबी चर्चा होती थी पति और पत्नी में, सास और बहू में लंबी लंबी चर्चा होती थी, मतलब प्रेम में लचीलापन है, तब तक आपका परिवार में स्वर्ग रहेगा, आपके परिवार में आनंद बिखरेगा, आपका परिवार में खुशहाली रहेगी, एक दूसरे के चेहरा में मुस्कान रहेगा। और जिस दिन प्रेम सूखेगा वहाँ पति पत्नी में चर्चा बंद हो जाएगी, सास बहू में चर्चा बंद हो जाएगी, देरान जेठान में चर्चा बंद हो जाएगी, नाती पोते में चर्चा बंद हो जाएगी, बेटे पिता पुत्र में चर्चा बंद हो जाएगी। मतलब समझना कि प्रेम अब सुख रहा है, अब प्रेम को सींचना होगा। अब प्रेम को कौन सींचेगा? आपको सींचना होगा, आपको सींचना होगा। यदि कभी लगता है कि मेरी गलती नहीं है पर भी मेरी बहू मेरे से बात नहीं कर रही है, तो आप अपने से जाकर, आप बड़े हैं, बुजुर्ग हैं, घर की मुखिया होती है, घर की मुखिया होते हैं आप घर के ससुर हैं, आप घर के सासू माँ हैं, आपका कर्तव्य बनता है कि आप अपने से झुक जाइए और झुक करके अपने से बहू से बेटे से बात कर लीजिए। आपकी गलती नहीं है पर भी आपका घर सुंदर बन जाएगा। प्रेम को सींचिए, आपको सींचना होगा प्रेम को, प्रेम को सींचना होगा। कभी लगता है कि घर का माहौल खराब हो रहा है, एक दूसरे में चर्चाएं नहीं हो रही है, सब एक दूसरे से गाल फुलाए हैं, जब प्रश्न किया जाता है तभी उत्तर मिलती है, एक बात के बाद दूसरी बातें, उत्तर खुलती नहीं है, बात कट जाती है, मतलब प्रेम सूख रहा है, सूख रहा है। बहुओं से चाहिए कि अपने सासू माँ से जाकर के प्यार से बात कर ले। कभी कभी गलतियां नहीं होती है पर भी अपने बहुओं से, बहुओं को चाहिए कि घर में जाकर के अपने सासू माँ से, बेटों को चाहिए कि अपने पिता से, अपने दादा से जाकर के बात कर ले, आपका घर स्वर्ग बन जाएगा। ये आपकी बुढ़ापे में काम आएगा, इसलिए मैंने कहा था आपकी बुढ़ापे की लाठी आपके बच्चे हैं। आप सेविंग, आप बैंक अकाउंट में कितना पैसा जमा करते हैं बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण नहीं है, लेकिन बच्चे के अंदर कितना संस्कार इंप्रूव करते हैं, कितना संस्कारित करते हैं, ज्यादा महत्वपूर्ण है। इसलिए आप घर में प्रेम को सींचने की कला जानिए। जब तक पेड़ में पानी को सींचा जाता है तब तक पेड़ हरे भरे रहते हैं, जब तक परिवार में प्रेम को सींचा जाता है तब तक परिवार हरे भरे खुशहाल, हर एक दूसरे के चेहरे में मुस्कुराना होता है, एक दूसरे के चेहरे में मुस्कान होती है, और जिस दिन चेहरे की मुस्कान खत्म हो जाती है, एक दूसरे से सब गाल फुलाए हुए हैं, बात नहीं करना चाहते हैं, मतलब प्रेम सूखता चला गया, प्रेम सूखता चला गया।
प्रेम सुखने के बाद में न खाना पसंद आएगा न मकान अच्छा लगेगा। जब आपका मन अच्छा है, जब आपका परिवार का माहौल अच्छा है, तब पत्नी अच्छी लगती है, पिता अच्छे लगते हैं, पुत्र अच्छे लगते हैं, माँ बाप अच्छे लगते हैं। और जब सब कुछ अच्छा है, मन अच्छा है, तो जिंदा वेस्ता, बाइबल, पुराण, महाभारत, रामायण सब कुछ अच्छे लगते हैं। जब अच्छा है तो गाड़ी, मोबाइल, घर के मकान, दुकान सब कुछ अच्छे लगते हैं। जब मन खराब हो जाता है, मन में विकृति आ जाती है, प्रेम संचारित नहीं हो पाता है, न पत्नी अच्छी लगती है, न बच्चे अच्छे लगते हैं, न माँ बाप अच्छे लगते हैं, न भोजन अच्छे लगते हैं, न खाना, न पीना, न रहना, न बसना, न सोना, बस जीवन में एक बेचैनी छा जाती है, मैं कैसी जिंदगी जी रहा हूँ। और हम जिंदगी को जीते नहीं, फिर जिंदगी को घसीटते चले जाते हैं, जिंदगी को घसीटते चले जाते हैं। जिंदगी को घसीटिए मत, प्रेम से जिए, आनंद से जिए। मैं अपनी बात पर आऊं, हम जीवन को तराशते जाइए। कैसे तराशना है? खुद को रिफाइंड करना है। मुझे प्रेम से बोलना है। बिस्तर से उठते ही 4 बजे, 5 बजे, 6 बजे जब बिस्तर से उठते हैं, बिस्तर में उठ करके 5 मिनट टाइम दीजिए अपने को। आप अपने जीवन में जितना टाइम देते हैं जिस चीज के लिए, मैंने कल भी इस चीज को कहा था, जो चीज आप हासिल करना चाहते हैं वो चीज आपको मिलता है। आपने संपत्ति हासिल करना चाहा, संपत्ति मिला, परिवार हासिल करना चाहा, परिवार मिला, गाड़ी चाहिए, गाड़ी मिला, मकान चाहिए, मकान मिला, दौलत चाहिए, दौलत मिला। क्या आपने प्रेम को भी हासिल करना चाहा है? क्या आप जीवन की प्रसन्नता को भी हासिल करना चाहा है? यदि आप चाहेंगे तो आप करेंगे, आपको मिलेगा। आप कम से कम अपने लिए 24 घंटे में से आधा घंटा, पौन घंटा, 1 घंटा टाइम निकालिए, आत्मचिंतन करिए, भजन करिए, सत्संग करिए। और सभी से कहा करता हूँ, मैं जहाँ भी जाता हूँ, कम से कम आप जिस मतपन से, जिन संप्रदाय से, जिन जिन गुरुओं से जुड़े हैं, उन गुरुओं से कम साल में 1-2 बार छोटा मोटा सत्संग घर में कर लिया करो, कुछ खर्चा कर लिया करो, घर में परिवार के लोगों को बुला लिया करो, अपने बहू है, अपने बेटे हैं, दामाद है, भाई है, दीदी है, परिवार के लोगों को बुला करके कम से कम यही तो जीवन का एंजॉय है, यही तो जीवन धन का, संपत्ति का असली अर्थ है। नहीं तो बस इकट्ठा करते चले गए, इकट्ठा महल पर महल बनाते चले गए, दुनिया से अलविदा हो गए, क्या मतलब इस धन संपत्ति का भी? इसलिए कम से कम साल में 1-2 बार संत गुरु को बुलाओ, जिनको आप मानते हैं, जितनी आपकी क्षमता है उसकी हिसाब से लोगों को, नजदीक के दूर के लोगों को नहीं बुला सकते, नजदीक के लोगों को बुलाइए। प्यार जी की हिम्मत था इसलिए दूर के लोगों को बुला लिए, आपकी हिम्मत कम है तो आप नजदीक के लोगों को बुलाइए। जिन संत गुरुओं से जीवन की रहने की बात होती है, मैं कल भी कहा था, जिनके विचारों में कर्मकांड और पाखंड नहीं है, जिनके जीवन में, जिनके विचारों में जीवन जीने की शैली मिलती है, जिसमें आपस में प्रेम से कैसे रहना है, आपस में जीवन का निर्माण कैसे करना है, ये बातें मिलती है उन संतों को, उन गुरुजनों को बुलाइए। अपने घर में कम से कम 6 महीना में, साल भर में 1-2 दिन सत्संग करिए। आप जिन गुरुओं से जुड़े हैं उनको बुलाइए, हमको बुलाइए नहीं कह रहे हैं भाई, जिनसे जुड़े हैं उनको ही बुलाइए कम से कम, और कुछ करिए आप, नहीं तो आने वाली पीढ़ी जानेगी नहीं। आने वाली पीढ़ी को सिखाइए आप, घर के बच्चे जैसे ही बिस्तर से उठते हैं उनको प्रणाम करना सिखाइए। सभी यहाँ बुजुर्ग बैठे हुए हैं, सभी से निवेदन है, 30 साल 40 साल 50 साल के बैठे लोगों से निवेदन है कि अपने बच्चों को प्रणाम करना सिखाइए। इसलिए खुद पहले प्रणाम करना सीखिए। यहाँ बैठे में से कोई बिरला लोग होंगे जो रोज अपने माता पिता का प्रणाम करते होंगे, शायद कोई एक आदमी मिल जाए तो बहुत बड़े सौभाग्य। कोई है जो हाथ खड़ा करे, 1-2 आदमी मिला जो इतने लोगों में जो अपने माता पिता के प्रणाम करते हैं। इसलिए सभी से निवेदन है, और सत्संग करा रहे हैं प्यार जी से भी निवेदन है, और खास निवेदन है धर्म सिंह जी से, कल से ड्यूटी दे रहे हैं धर्म सिंह जी को, कम से कम इस सत्संग के बदौलत किसी को अर्थ मिले या ना मिले, किसी को ज्ञान मिले या ना मिले, धर्म सिंह जी सुन रहे पीछे हैं, कल कम से कम आप बिस्तर से उठने के बाद में अपने दादी दादा, अपने मम्मी पापा, बड़े मम्मी का जो सामने मिले उनका चरण स्पर्श करेंगे आप, ठीक है? धर्म सिंह जी का ड्यूटी है, और कोई अपने आप को सच में अपना पुत्र, अपने माँ बाप का पुत्र समझते हैं इसमें बैठे लोग, मैं क्षमा चाहता हूँ, कटु वाणी है, सच में यदि अपने माँ बाप का पुत्र समझते हैं तो कम से कम अपने माँ बाप का चरण स्पर्श यहाँ बैठे सभी लोग करेंगे। आने वाली पीढ़ी सीखेगा इसको, आने वाली पीढ़ी इस चीज को जानेंगे कि कैसे
हमारे बच्चे, हमारे माँ बाप अपने माता पिता का चरण स्पर्श करते हैं। मैं कह रहा था कि अपने जीवन के लिए कम से कम बिस्तर से उठने के बाद में आप बिस्तर में बैठ जाइए और अपने को कहिए, आज मुझे कोई गाली देंगे तो गाली का उत्तर मैं गाली नहीं दूंगा, मैं चुप रहूंगा। आज मैं किसी के लिए क्रोधित नहीं होऊंगा, आज मैं किसी के लिए गलत नहीं सोचूंगा, आज मैं किसी के लिए कुदृष्टि नहीं करूंगा, आज मैं जितना अधिक से अधिक हो सके मौन का पालन करूंगा। वाणी के बारे में आती है तो एक याद आती है, एक सर्च हुआ है, सर्च के दौरान ये आया है कि हमारे भारत देश में इतने केस हैं, इतने कोर्ट में इतने केसेस हैं, उसमें से 90% लड़ाई सिर्फ बात की लड़ाई है, ओनली बात की लड़ाई, 90% लड़ाई, और अधिकतम लोगों का घर टूटता है बात की लड़ाई से। वाणी पर संयम, समय रहेगा तो इस पर चर्चा करेंगे, वाणी से कैसे जीवन बदलता है इस पर कल चर्चा करेंगे। मैं कह रहा था कि कम से कम बिस्तर से उठ के आत्मचिंतन करिए, बैठ जाइए 5 मिनट। आज से मैं आपके जीवन में बहुत सारे चैप्टर होंगे, ऑफिस जाना है, ड्यूटी जाना है, खेत जाना है, यहाँ पेमेंट करना है, गाड़ी ले जाना है, बच्चे को स्कूल के लिए तैयार करना है, कॉलेज जाना है, बहुत सारे चैप्टर होंगे। आप सभी से निवेदन करता हूँ कि अपने जीवन में एक चैप्टर और जोड़ लीजिए। कौन सा चैप्टर है वो? मैं आज से सुंदर जीवन का निर्माण करूंगा। अपने जीवन में चैप्टर जोड़ लीजिए, आज से मैं सुंदर जीवन का निर्माण करूंगा। और सुंदर जीवन का निर्माण कौन करेंगे? आपको खुद करना होगा। आपके जीवन को ऊपर उठाने के लिए, अपने जीवन का निर्माण करने के लिए कोई भगवान नहीं आएंगे। मैं आप सबसे निवेदन करता हूं कि लाख भगवान की पूजा कर ले, आपके जीवन का निर्माण करने के लिए कोई भगवान आपके पास नहीं आएंगे। न ही नरेंद्र मोदी आएंगे, न ही कोई नेता आएंगे आपके पास। आपके जीवन को आपको ही तराशना होगा, आपके जीवन को खुद को आपको ही रिफाइन करना होगा, आपके जीवन के जिम्मेदार आप खुद होते हैं। यदि आपका जीवन बर्बाद हो रहा है, इसकी जिम्मेदार कोई दूसरा नहीं है। यदि आपका जीवन बर्बाद हो रहा है तो इसके जिम्मेदार आप खुद हैं, आप इसके जिम्मेदार होते हैं। इसलिए समय दीजिए, 5 मिनट समय दीजिए अपने जीवन के लिए। बिस्तर से उठने के बाद बैठ जाइए और अपने को कहिए, मुझे आज से जीवन को एक नए मार्ग की ओर ले जाना है और जीवन को नए संचालित करना है। रात्रि के समय सोते समय 5-10 मिनट और टाइम दीजिए और अपने आप को गुणनवाद करिए, मैंने कहाँ कहाँ गलती किया है, मैंने कौन से जगह जो नहीं बोलना चाहिए था वो बोला, कौन से बातें ऐसी किया जो नहीं करना चाहिए था वो बातें किया, मैं किसको क्रोधित, किसको क्रोध के साथ बोला, किसको प्यार से बोला। आप कैलकुलेशन करेंगे तो लगेगा मुझे ये नहीं बोलना चाहिए था, शायद मैंने बोल दिया, कल से गलती नहीं करूंगा मैं, कल से गलती नहीं करूंगा मैं। जिस घर में, परिवार में, आपस में, दोपहर में भाई भाई एक साथ मिल करके, एक साथ गले मिलते हो, एक साथ मिल करके भोजन करते हो, मानो उस घर में रोज होली का त्योहार है। और जिस घर में रात्रि के समय ऑफिस से, ड्यूटी से, सब जगह से, खेत से, खलिहान से आने के बाद में माता पिता का चरण स्पर्श किया जाता हो और सब मिल करके एक गुरु वंदना कर लिया जाता हो, माता पिता का चरण स्पर्श किया जाता हो, एक साथ मिल करके भजन और भोजन दोनों होता हो, मानो उस घर में रोज होली का त्योहार है, रोज दीपावली का त्योहार है। आप साल में एक बार मनाते हैं ना? मैं आप सबसे निवेदन करता हूं कि कम से कम साल में रोज मनाइए आप दीपावली का त्योहार। एक दीप प्रज्वलित कर लीजिए, दीप प्रज्वलित करके आप किसकी पूजा करते हैं मैं नहीं जानता हूं। आपसे निवेदन है कि दादी दादा मम्मी पापा का पूजा करिए, वो आपको आशीर्वाद देंगे, वो आपको आशीर्वाद देंगे। अपने घर के बड़े बुजुर्गों को चरण स्पर्श करिए, दादी दादा माता पिता का चरण स्पर्श करिए और आरती उतार लीजिए, वो जरूर आपको आशीर्वाद देंगे। कभी गलती से माता पिता की गलती नहीं है, पर भी आप के साथ नफरत का भाव हो गया, आप रोज चरण स्पर्श करते रहेंगे, रोज चरण स्पर्श करते रहेंगे। कितनी भी लड़ाइयां हो जाए सास बहू में या बेटा पुत्र और पिता पुत्र में, आप जब प्रणाम करेंगे ना तो आपको गाली नहीं देंगे, आशीर्वाद ही देंगे, कहेंगे बेटा खुश रहो। वो सोचे रहेंगे कि अब इस बच्चे से मैं बात ही नहीं करूंगा, आपकी सासू माँ सोची रहेगी कि आप बहू से मैं बात ही नहीं करूंगी, वो आप सोचेगी, आप प्रणाम करेंगे तो लगे उनको उनको लगेगा तुरंत ही आशीर्वाद देंगे, कहेगी बेटी खुश रहो, आपको खुश रहो का ही आशीर्वाद मिलेगा।
इसलिए मैंने पहले ही कहा था, इसलिए पहले पूजा भगवान की, असली भगवान माता पिता की है, असली पूजा माता पिता की है। यही कबीर की शिक्षा है, यही सद्गुरु कबीर का देन है। सद्गुरु कबीर का सत्संग आत्मा आदमी से आदमी को जोड़ने का काम करता है। सद्गुरु कबीर खुद को खुद से मुलाकात कराता है। मुलाकात कराने का काम सद्गुरु कबीर के सत्संग में होता है। अलग से भ्रांतियां नहीं, अलग से भगवान के आधार पर नहीं बिठाते हैं। भागवतों में, महापुराणों में चर्चाएं चलती है, उसमें उसके जीवन गाथा, उसके जीवन गाथा। अरे कम से कम कभी अपने जीवन गाथा के बारे में कब चर्चा करेंगे हम? जब हम पुरानी, आपको मैं एक चीज बताऊं, जब आप भागवत सुनते होंगे या कोई सीरियल देखते होंगे तो आपको उसमें से 80% चीज याद होता है। इसके बाद ये होने वाला है, इसके बाद ये होने वाला है, इसके बाद ये होने वाला है, आपको पता रहता है। जब भागवतकार कहानी कहता है, भागवत बोलता है, तो कहता है उसके पहले आपको याद रहता है, इसके बाद ये आने वाला है। वो सब चीज तो आपको याद ही है, उससे ज्यादा महत्वपूर्ण है अपने जीवन गाथा के बारे में कभी चर्चा करें। महापुरुषों की जीवन गाथा के बारे में चर्चा करते करते जीवन बीत चुका है, हम अपनी जीवन गाथा के बारे में कब चर्चा करेंगे? अपने जीवन के बारे में कब चर्चा करेंगे? अपने जीवन को कब रिफ्लेक्ट करेंगे हम? आप समझिए, आप अपने जीवन का कीमत कितना आप लगाते हैं, आप जितना ही आपका कीमत आप बढ़ाते चले जाते हैं, आपका कीमत बढ़ता चला जाता है। आप परिवार में देखे होंगे, समाज में, परिवार में, स्कूलों में, कहीं भी आपको परिवार में मान लो 15 सदस्य हैं, तो 15 सदस्यों में एक सदस्य बहुत पसंद आता होगा। एक सदस्य बहुत पसंद आता है, क्यों पसंद आता है? क्योंकि उसके अंदर एक विशेष गुण होता है, विशेष गुण। जब भी आपको पुकारता है तो बेटी कह करके पुकारता है, जब भी आपसे मिलता है तो प्यार से मिलता है, कभी क्रोधित नहीं होता है। स्कूलों में जब आप पढ़ाई करते होंगे तो जो टीचर आपको नहीं पढ़ाते हैं वो टीचर भी आपको पसंद आता है, जो टीचर आपका क्लास नहीं लेता है वो टीचर भी आपको पसंद आता है, क्योंकि उनके पास एक विशेष गुण होता है, एक सुंदर स्वभाव होता है, सुंदर आचरण होता है, उनके पास मधुर वाणी होती है। वो विशेष गुण सबके अंदर है, सबके अंदर है। उस विशेष गुण को जागृत करने की आवश्यकता है, उस विशेष गुण को जगाने की आवश्यकता है। इसलिए मैंने पहले ही कहा, जो तिल माही तेल है, जो चकमक में आग, तेरा साई तुझ में जाग सकते तो जाग। आज भी अवसर है, आप जाग सकते हैं। अभी जो भी प्रोग्राम होता है, ये हमारे संत उमेंद्र साहब भी कर रहे हैं रिकॉर्डिंग, वो अपने चैनल में डालते हैं और काफी लोग सुनते हैं, उसी माध्यम से यहाँ तक हम लोग पहुँचे हैं। ना हम लोग स्वामी जी को जानते थे, ना प्यार जी को जानते थे, एक YouTube का ही माध्यम है। और YouTube एक ऐसा माध्यम है जिसमें कबाड़ खोलो कचड़ा ढूंढो तो कचड़ा मिलेगा, और आत्मज्ञान की बातें ढूंढो तो आत्मज्ञान की बातें मिलेगी। आप जो चाहे वो मिलेगा, और वैसे ही जीवन में आप जो कमाना चाहते हैं वो आप पूंजी कमा सकते हैं। आपके ऊपर है, आप क्या प्राप्त करना चाहते हैं, क्या हासिल करना चाहते हैं, आपके ऊपर है। इसलिए जीवन को तराशते जाइए, आप महान बन जाएंगे, और आप महान हैं। आप सभी के अंदर वो योग्यता है कि अपने जीवन को आप सबके सब तराश सकते हैं। सबके अंदर योग्यता नहीं है कि मोदी बन सके, लेकिन सबके अंदर योग्यता है कि सबके सब अपने जीवन को सुंदर बना सकते हैं। सबके सबके अंदर वो योग्यता है। बस इतना ही कहकर अपनी वाणी को विराम देता हूँ। बोलिए सद्गुरुदेव की जय।